अभी मम्मा आएंगी, देखेंगी कहाँ रखूं यार मैं इसको। मौत आती है ना, जो जान जाती है वो मैं क्या ही बताऊं। हाय दोस्तों, सो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, हमारे यहाँ खाना हो जाता है। मेरे को यहाँ पे हेडेक होने लगा। हाय गाइस, आदि इसके वॉल्यूम कम कर ले, इसकी वॉल्यूम कम कर ले। आई एम व्लॉगिंग टुडे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम व्लॉगिंग टुडे। मेरे घर पे कोई नहीं है, जस्ट मैं और मेरा भाई है, मम्मी पापा है नहीं। सो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे क्या संभालेंगे पूरा टाइम। दूसरी बात, क्या दूसरी बात, मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। राइट नाउ इट्स 9:20 एंड मेरे को यहाँ पे हेडेक होने लगा क्योंकि मेरा नॉर्मल टाइम उठने का होता है 8 बजे, तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 6-7 बजे मेरा मैक्सिमम होता है। एंड अभी 9:20 हो रहा है, मैं 15 मिनट पहले उठी हूँ, मेरा हेडेक हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ना व्लॉगिंग करते हैं एंड देखते हैं हम कैसे मैनेज करते हैं। नई आवाज़ कम नहीं करेगा ये। सो आई टुक माई शावर एंड डिड फेस शेविंग। हल्का सा यहाँ से नीचे से नहीं होता है मुझसे, बाकी पूरा फेस शेव हो जाता है अच्छे से। अब मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट एंड अब 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। मुझे नहीं पता मैं वीडियो कब शूट करूँगी एंड मेरे भाई ने ऑलरेडी ब्रेड बना के रखी है, चाय मैं बना के गई थी नहाने से पहले उसके लिए एंड उसने मेरे लिए ब्रेड सेक के रखी है। तो आज के लिए, अभी के लिए यही होने वाला है। बट अभी जो टाइम हो रहा है ना, लाइक 11:30 बजे हमारे यहाँ खाना हो जाता है। बट आगे आंटी ताला नीचे की बूंदी लगाई। हाँ मैं आ रही हूँ बाहर। तो वैसे यूजुअली हमारे यहाँ 11:30 बजे तक खाना हो जाता है, बट अभी मेरा नाश्ता हो रहा है इस टाइम पे। आंटी मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है, बर्तन तो अभी और निकलेंगे। तो डस्टिंग क्या डस्टिंग हो गई है इस वाले रूम की जहाँ पे आदि बैठा है, वो करो जब तक मैं चाय बना के ला रही हूँ। सो मेरे भाई ने जो ब्रेड सेकी है ना, वो बहुत अच्छी ब्रेड सेकता है। लाइक मैं जो ब्रेड सेकती हूँ वो मेरे हिसाब से तो अच्छी होती है, बट वो उसको नहीं अच्छी लगती। थोड़ा सा यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा है फेस पे, अजीब सा टेक्स्चर आपको दिख सकता है जस्ट बिकॉज एलोवेरा जेल लगा हुआ है। तो मैं क्या बोल रही थी, मेरा भाई बहुत अच्छी ब्रेड सेकता है एंड मैं मेरे हिसाब से तो अच्छी सेकती हूँ, बट मुझे नहीं पता वो अच्छी उसको नहीं लगती, मुझे तो अच्छी लगती है। ब्रेड में भी ऐसा होता है क्या कि जो मुझे नहीं पता था कि ब्रेड में भी अच्छा सेकना बुरा सेकना होता है। अगर ऐसा होता है ना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अच्छी ब्रेड सेकती हूँ, मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ब्रेड सेकता है। हाय दोस्तों, कितने बज रहे हैं दोस्तों, बज गए हैं 3 एंड बस हमने वही खाया था नाश्ते में, ब्रेड एंड चाय, क्योंकि मम्मी नहीं है घर की, ऐसी तैसी हो रखी है। एक्चुअली मेरी मम्मी कल से ही नहीं है, मम्मी कल से ही गई हुई हैं, तो कल तक तो था खाना, आज भी था, थोड़ा बहुत खा लिया है। दूसरी बात, वीडियो बना रही थी, 3 बज चुके हैं अभी एंड अभी तक सिर्फ मेरी 2 वीडियोज़ बने हैं। ये रहा मेरा लैपटॉप, मैं फाइल्स अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र करूँगी जस्ट बिकॉज फ़ोन में हो चुका है स्पेस फुल। क्या ही ज़िंदगी हो रखी है, अंदर पूरा सामान फैला हुआ है। मम्मा पापा आने वाले हैं थोड़ी देर में, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, लाइक आ जाएंगे 3 तो भी बज रहा है, लाइक 6 बजे तक आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक आ जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा घर को भी नॉर्मल करना है जस्ट बिकॉज मम्मी होती है ना, तो वो रिमाइंडर देती रहती है, ये सामान यहाँ से उठाओ, वो सामान यहाँ से उठाओ। ऑल्दो इतना फैला नहीं है, मेरे भाई ने ही फैलाया है, वही मुझे साफ करना है। एंड या गाइस, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लीज़ वीडियो देख लिया करो यार, मतलब नोटिफिकेशन जाता होगा, नई भी काम की वीडियो है ना, आके देख लिया करो। मैं बार बार खुद को देख रही हूँ, अगर वीडियो काम की नहीं भी है ना तो भी आके देख लिया करो, मेहनत लग जाती है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एक बार ही मैं ही 3 से 4 वीडियोस शूट कर लूँ, क्योंकि मुझे मेरा पढ़ना भी होता है, लाइक मैं मेरी स्टडीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ नहीं भी हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, बट मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करने का पूरा पूरा ट्राई करती हूँ, साथ में मुझे पढ़ना भी होता है। एंड इससे पहले भी मैं एग्ज़ाम देने गई थी लॉकडाउन में ही,
सो मैं काफ़ी कुछ कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया करो, आगे देख लिया करो वीडियो अगर नोटिफिकेशन जाता है तो, एंड अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, वो बेल नोटिफिकेशन को वो ऑल नोटिफिकेशंस कर देना, आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, ये मैं क्लियरली बोल देती हूँ, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, जाके ना उसको ऑल नोटिफिकेशंस कर देना प्लीज़। वीडियो देख लिया करो, नहीं भी हुआ करे काम का तो यार 4 से 5 मिनट तो आप दे ही सकते हो, ये किसी ने वीडियो अपलोड किया है उसको नोटिफिकेशन आया है। यार वीडियो शूट करने के बाद ना एक काम में इतना आलस आता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को आता है कि नहीं आता, वो क्या है पीछे, ओके फाइन, मेरा मेकअप कलेक्शन है, मैंने वीडियो बनाया है जाके देख लो। सबसे ज़्यादा आलस मुझे आता है इस काम में, ये इन सब कपड़ों को घड़ी करने में ना जो मौत आती है ना, जो जान जाती है वो मैं क्या ही बताऊँ। इससे पहले भी मैं कुछ बोल रही थी, उसकी भी क्लिप कट गई थी जस्ट बिकॉज मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था यार, इतना छोटा सा मेरे फ़ोन का स्टोरेज है एंड उसमें भी मुझे एक दिन में इतने सारे वीडियो बनाने पड़ते हैं। ओके अभी मैं फटाफट से थोड़ा सा चेंज करूँगी अपना गेटअप और वीडियो शूट करने के लिए, मैं सोच रही हूँ आज कर लूँ 6-7 वीडियो शूट कर ही लूँ, 6-7 तो नहीं हो पाएंगी, जितनी भी हूँ उतनी हो जाएंगी। कितने बज गए 4:38 हो चुके हैं यार, फटाफट से करती हूँ मैं, ये रिग्लाइट गर्म हो रही है। टेबल आ गई, टेबल आदि टेबल आ गई, टेबल 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 हाँ वो। सो हमने ये ऑर्डर की है अमेज़ॉन से, लाइक मेरी मम्मा को ये चाहिए थी बहुत टाइम से, तो अभी हमने ऑर्डर कर दी है, अभी मम्मा आएंगी देखेंगी कहाँ रखूँ यार मैं इसको। तो वो टेबल मैंने कहाँ रखा, कैसे डेकोरेट किया, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको पक्का दिखाऊंगी। अभी मैं हेयर ऑयलिंग के लिए अपना यूज़ कर रही हूँ वाओ लाइट साइंस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, प्योर एंड नेचुरल एनरिचिंग एंड नरिशिंग ऑयल है, जो कि मैंने सुबह जब मैंने ऑयल पुलिंग किया था यही ऑयल यूज़ किया था। आप इसको काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। ये जो ऑयल है वाओ लाइफ साइंस का, ये 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, 100% ट्रांस फैट फ्री है, जिससे कि आप इसको जब खाना बनाते हैं उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारी यूजेस हैं, आप इसको अपने एसेंशियल ऑयल में डाल सकते हैं, अगर आपके घर पे बेबी है उसकी मसाज कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल पुलिंग के टाइम मैंने यूज़ किया, अभी विंटर आ चुकी है आप अच्छे से इसको एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। सो जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है वो ज़्यादा बेटर होता है जस्ट बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर के होते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से नरिशमेंट मिलता है। तो ये आप इसको मल्टीपर्पज यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से आपको नरिशमेंट मिलेगा, आप जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छे से ये मतलब आपके काम आ सकता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ मेक श्योर ज़रूर चेक करना। बाकी ये जो आप क्लिप देख रहे हो जिसमें मेरी साथ में मम्मा बैठी हैं, ये नेक्स्ट डे की है, जो कि हमने सफाई करी थी जस्ट बिकॉज दिवाली का टाइम है एंड आते ही हम सफाई में लग गए थे, एंड मैं इसका आउट्रो शूट करना भूल गई इस वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी ऑयल पुलिंग मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लाइक मैंने इसको अपना रिचुअल बना लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप ऑयल पुलिंग ज़रूर स्टार्ट कीजिए, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस ऑयल का। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में पूरा की पूरा डेकोरेशन आने वाला है घर का, किस तरीके से किया, क्या क्या सामान लगाया, तो उसके लिए वेट करना। बाकी इस व्लॉग को काफ़ी सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।